सो हे गाइस, वेलकम बैक इन बेगूसराय रिसर्च यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं ऑटो कैड को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो आज की इस वीडियो के बाद आप इतना इजी से ऑटो कैड को डाउनलोड कर सकते हैं जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेसिकली ये चैनल जो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही बना है। इलेक्ट्रिकल के जितना भी इंफॉर्मेशन है मैं इसी चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल को। गूगल क्रोम पे हम टाइप करेंगे ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट वर्जन। टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर इंटरफेस ओपन होगा। ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल जो है वो डिजाइन करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। किसी चीज जैसे कि पैनल का डिजाइन करनी हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डिजाइन करनी हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हमें डिजाइन करने की जो जरूरत पड़ती है वो ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल के द्वारा हम उसे फिलअप करते हैं। तो चलिए हम इस इंटरफेस ओपन होने के बाद जो आप देख सकते हैं कुछ नीचे करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में लिखा रहेगा। यहाँ पर आप ये इस एंगल पर देखेंगे, यहाँ पर जो है द 2023, ये जो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल टूल सेट, ये जिस लिंक के नीचे लिखा रहेगा उसे हम प्रेस करना है। जैसे इसके नीचे लिखा है तो इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, देख सकते हैं आप। कुछ इस प्रकार का अगर इंटरफेस आपके डिस्प्ले पर आ गया तो समझ लीजिए आप सही लिंक को प्रेस किए। उसके बाद थोड़ा सा नीचा करने पर लिखा है यहाँ पर डाउनलोड फ्री ट्रायल। ये जो है डाउनलोड फ्री ट्रायल को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं बिजनेस है, एजुकेशन है, फाइल व्यूअर है। बिजनेस को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फिर से नीचे करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं कि आप किस प्रकार के आप एक्सेस करना चाहते हैं ऑटो कैड को। तो फोर्थ में आप देख सकते हैं लिखा है ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल। ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल को हम प्रेस करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ यहाँ पर आपके पास है सिंग इन करता है, यानी इससे पहले आप कभी ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल का अकाउंट बनाए हैं तो आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पर फिलअप करेंगे, या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट। हम मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना है तो मैं अपना ईमेल आईडी को प्रेस करूँगा। कुछ इस तरह से अपना ईमेल आईडी को भरने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको पासवर्ड मांगेगा। जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर से आप साइन इन को प्रेस करेंगे। साइन इन को प्रेस करने के बाद फिर से आपके पास न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब न्यू इंटरफेस ओपन होगा तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा यहाँ पर प्रेस करने, एक है इंस्टॉल, एक है डाउनलोड। आप डाउनलोड जो है आप डाउनलोड पर प्रेस करेंगे। डाउनलोड पर प्रेस करने के बाद कुछ इस वेबसाइट के कॉर्नर पर यहाँ पर डाउनलोड होने लगा है, 2 GB का है। उसके बाद हम देख सकते हैं डाउनलोड का स्थिति। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल 2024 डाउनलोड होना जो है मेरा स्टार्ट हो गया है। और रही बात इसका विशेषता, मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका सिस्टम में स्पेस 4 GB रैम से एबव होनी चाहिए और आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बेसिकली 2 MB/s होनी चाहिए। जैसे अभी आप मेरा देख सकते हैं 2 से प्लस यानी 2.5 MB मेरा अभी फिलहाल चल रहा है स्पीड। अगर आपका इंटरनेट स्पीड सही रहा तो आपका जल्द से जल्द डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्पीड नहीं अच्छा रहा तो आपका रिट्राई होकर बार बार कट जाएगा, यानी वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ रैम के साथ साथ आपका इंटरनेट स्पीड भी अच्छा होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो जितना भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल को डाउनलोड करने के लिए, आज के बाद उसे भी वो कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। सो अगर आप बेगूसराय रिसर्च यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अभी फिलहाल ऑटो कैड डिज़ाइन के बारे में हम देखेंगे कि डिज़ाइन कैसे किया जाता है ऑटो कैड सॉफ्टवेयर पर। मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें, बाय।